छोड़ दे गरीब को। माफी चाहता हूँ सरदार, गलती हो गई। ना कर। सरदार, वो आपका दोस्त आया है, साथ वाले कबीले का सरदार। ओ मेरा यार आया ही। आजा बैठ। खुशामदीद कहता हूँ तुम्हें अपनी इस छोटी सी सल्तनत में। बहुत शुक्रिया। अरे मुख्तियारे। जी सरदार। जा कोई लस्सी पानी ले आ, मेरा यार आया है। कैसा लगा मेरा कबीला? सरदार मैंने तो सुना था तेरा कबीला कर्जों में डूबा हुआ है। तेरे कबीले के लोगों के तासुरात देख के लगता नहीं है इनको कोई शिकायत हो। शिकायत हो भी तो कैसे, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधा हो गया, नजर नहीं आता तुझे। छोड़ सरदार, छोड़ दे गरीब को। माफी चाहता हूँ सरदार, गलती हो गई। ना कर। उठो, जाओ यहाँ से। पहले तो मैंने सिर्फ सुना था तू अपने कबीले के लोगों पे जुल्म करता है, आज अपनी आंखों से देख लिया। तू तो ऐसा नहीं था, आखिर इस जुल्म की क्या वजह है? ये जो सलूक मैं इनके साथ करता हूँ ना, ये इसी लायक है। तू अपने कबीले के लोगों पे जुल्म करने के बावजूद इतना मुतमिन होके बैठा है, आखिर इसकी क्या वजह है? ये खुद जुल्म पसंद लोग हैं, इसका मैं तुझे नमूना दिखाता हूँ। ओए मुख्तियारिया, इधर आ मेरे साथ बैठ। मैंने तेरे साथ बड़ा जुल्म किया है, मैं तुझसे इसकी माफी चाहता हूँ। उठ मेरे साथ इधर, मेरे बराबर आग के बाद तू बैठेगा। कैसा जुल्म सरदार, हम आपके गुलाम हैं, आपके बराबर नहीं बैठ सकते। देखा तुमने किस कदर गुलामी इनकी नसों में घर कर चुकी है। हालांकि इसको मैंने अपने बराबर बैठने का मौका दिया, लेकिन इसने गुलामी को ही चुना। पूरे कबीले का यही हाल है, गुलाम बन के रहना चाहती हैं। अब मैं इन पे जुल्म करना सीख गया हूँ, ये जुल्म सहना सीख गए हैं। मैंने इनके जमीर को जगाने की बड़ी कोशिश की है। मैं तो चाहता हूँ ये मेरे सामने खड़े हों, मेरी आंखों में आंखें डाल के अपने हक के लिए मुझसे लड़ें, लेकिन गुलामी इनकी रग रग में बस चुकी है। सरदार लगता है तूने ठीक से कोशिश नहीं की इनका ज़मीर जगाने की। अगर बुरा ना लगे तो इनका ज़मीर मैं जगा दूं। ये मेरी कौम है, इनको मैं जानता हूँ, मुर्दा ज़मीर के लोग हैं। सरदार मुझे मौका तो दे, मैं तेरी कौम के ज़मीर को ऐसे जगाऊंगा कुछ ही दिन में ये जुल्म करने वाले की गिरेबान पकड़ के उससे हिसाब लेंगे। ठीक है, कोशिश कर ले, अगर इनका ज़मीर जाग जाए तो मुझे खुशी होगी। अच्छा फिर देख, अब मुख्तियारे जा और जाके कबीले में ऐलान कर दे, कल से कबीले का हर मर्द रोज सुबह काम पे जाने से पहले सरदार के डेरे पे हाजिरी लगवाएगा, या उनको दो दो जूते मारे जाएंगे, और वो दो जूते खाने के बाद फिर काम पे जाएंगे। जा और बोल दे। ठीक। अगले दिन सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक कबीले के सारे लोग जमा हो गए हैं, तशरीफ ले आए। चलो आ जाएं सरदार, कबीले के सारे लोग हाजिर हैं। तुम्हारे कबीले के सरदार ने ये हुक्म दिया है, रोजाना काम पे जाने से पहले तुम लोग डेरे पे हाजिरी लगवाओगे, यहाँ तुम लोगों को दो दो जूते मारे जाएंगे, और वो दो जूते खाने के बाद ही तुम लोग काम पे जाओगे। किसी को कोई मसला, कोई एतराज? मुख्तियारे मारो जूते इनको। कयामत तक ये लोग जूते खाते रहेंगे, लेकिन अपने हक में बोलेंगे नहीं, ऐसे मुर्दा दिल लोग हैं ये। ठीक हो जाएंगे एक हफ्ते बाद। वो देखो आ गए जूते खाने, हफ्ता हो गया है रोजाना आके जूते खाते हैं। मजाल है जो किसी ने सवाल तक किया हो कि हमें क्यों खामखा रोजाना जूते मारे जाते हैं, और तुम इन्हें जगाने की बात करते हो। चलो कैसे लोग हो तुम लोग, एक हफ्ता हो गया जूते खा रहे हो, क्या तुम में से किसी को कोई मसला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है? सरदार माजरत के साथ हमें शिकायत है। शुक्र है। देखा सरदार, कोई तो है जिसको मसला है, कोई तो अपने हक के लिए बोलना चाहता है।
जगा दिया ना मैंने इनका जमीर। हाँ बाबा, क्या मसला है तुम्हें? सरदार, हाथ बांध के गुजारिश है, हम लोग रोजाना यहाँ जूते खाने आते हैं, हम लोग ज्यादा होते हैं, जूते मारने वाला एक ही बंदा है, यहाँ देर हो जाती है, हमने काम भी करना होता है, हमारी ये गुजारिश है जूते मारने वाले बंदे बढ़ा दें ताकि हम जूते खा के जल्दी काम पे चले जाएं। इनके जमीर को जगाने की बात कर रहे थे तुम? लानत है तुम्हारी इस मुर्दा जमीरी पे, तुम लोग गुलाम थे, गुलाम ही रहोगे, क्योंकि तुम लोग जुल्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। तुम जैसे मुर्दा जमीरों को हमेशा कोई ना कोई जूते मारता रहेगा, और तुम्हारी ये गुलामी तुम्हारी आने वाली नस्लों की गुलामी का बहस बनेगी। अपने हक के लिए लड़ना सीखो, जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपके एक शेयर से किसी में जुल्म के खिलाफ बोलने का जज्बा पैदा हो जाए।